पहली बात यह है कि आप बीमार मत पड़ो तो क्या करें। आयुर्वेद में अष्टांग हृदयम में सूत्र है कि आयुर्वेद अष्टांग हृदयम कहता है बीमार नहीं पड़ने के लिए तीन बातें ध्यान रखो, वात पित्त और कफ, इनको संतुलित रखो, बस बीमार नहीं पड़े। वात पित्त और कफ, आपको मालूम है वात पित्त कफ के तीन दोष हैं जो आपके बीमारी का कारण है। ये बीमार कब बनाते हैं किसी व्यक्ति को, जब वात पित्त कफ में संतुलन टूट जाता है, असंतुलन आ जाता है, वात बहुत बढ़ गया, पित्त बहुत घट गया, कफ बहुत बढ़ गया, वात बहुत घट गया, तभी बीमारी आएगी। जो वात पित्त कफ संतुलित है, समान है, तो बीमारी आने की कोई संभावना नहीं। ये आयुर्वेद का मूल रहस्य है। अब आप वात पित्त कफ को ठीक कैसे रख सकते हैं, इसके लिए छोटी छोटी बातें बताता हूँ। सब माताएं जरूर इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपके बहुत काम की है, वैसे तो सबके काम की। वात को संतुलित रखना है अगर जिंदगी भर, तो शुद्ध तेल खाओ, ये पहली बात, शुद्ध तेल खाओ। अब आपके मन में तुरंत सवाल आएगा, क्या हम तेल शुद्ध नहीं खा रहे? हाँ, आपका तेल शुद्ध नहीं है। जिन जिन को घर में वात की बीमारी है, समझ लो तेल किसी का शुद्ध नहीं है। आप बोलेंगे जी हम तो बाजार से लाए हैं, डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड। ये डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड माने जहर तेल नहीं। आपको मालूम है ये डबल रिफाइंड ट्रिपल रिफाइंड चक्कर क्या है? तेल जो होता है ना, जो तेल मिल से निकाला जाता है, जैसे तिल, जैसे सरसों, जैसे नारियल, जैसे मूंगफली आपने दे दी किसी तेल मिल वाले को, उसने पीस के तेल निकाल दिया, ये है शुद्ध तेल, ये खाओ। तो फिर बाकी तेल क्या है? बाकी में सब है मिलावट। वो मिलावट पता है क्या है? तेल को जब रिफाइन करते हैं तो तेल की चिकनाई निकालते हैं, और जब तेल की चिकनाई निकल जाती है तो तेल पानी हो जाता है, और तेल की जब एक बार चिकनाई निकाली जाती है तो उसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ ऑयल, जब दो बार चिकनाई निकालते हैं तो डबल रिफाइनिंग, और तीन बार निकाल लिया तो ट्रिपल रिफाइनिंग। तो बचा क्या उसमें? पानी है। वो तो आप चिकनाई से घबराने लगे आजकल, हाँ, और डॉक्टरों ने डरा दिया कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जी, चिकनाई मत खाना। मैं आपको जो कहने आया हूं ये कि चिकनाई खाना देख के खाना, कौन सी खाने लायक है कौन सी खाने लायक नहीं है। चिकनाई दुनिया में दो तरह की है, एक अच्छी और एक बुरी। बुरी चिकनाई कभी मत खाओ, और अच्छी चिकनाई जरूर खाओ। जो अच्छी चिकनाई होती है वो शरीर में बढ़ाती है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, ये अच्छी चिकनाई, और जो बुरी चिकनाई है वो बढ़ाती है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो वो चिकनाई कभी मत खाओ जिससे LDL बढ़े, वो खतरनाक है, और वो चिकनाई जरूर खाओ जिससे HDL बढ़े, क्योंकि उसकी जरूरत है। ये जो अच्छी चिकनाई आप नहीं खाओगे तो क्या होगा वो भी बता दूं, आपका शरीर चूसे हुए आम के जैसा हो जाएगा। आम चूसने के बाद कैसा दिखता है? ऐसा हो जाएगा। चिकनाई तो खाओ, नहीं तो शरीर की चमक चली जाएगी। ये जो चेहरा चमकता है ना हमारा, ये चिकनाई के कारण। अगर चिकनाई नहीं है शरीर में तो पिलपिला हो जाएगा, देखने में अच्छा ही नहीं लगेगा। तो चिकनाई तो खाओ अच्छी वाली। अब आप पूछो जी अच्छी चिकनाई कहाँ मिलती है? अच्छी चिकनाई मिलती है शुद्ध तेल। शुद्ध तेल मैंने बता दिया, नारियल, सरसों, तिल, मूंगफली, उसको मिल में डाला, मशीन में सीधे तेल निकला, कुछ मिलाया नहीं, कुछ किया नहीं, वो तेल शुद्ध, वो खाओ, और जिंदगी भर खाओ, कोई तकलीफ नहीं आने वाली, क्योंकि शुद्ध तेल से HDL बढ़ता है और वो हमें चाहिए। अशुद्ध तेल मत खाओ। अब अशुद्ध तेल कौन सा? रिफाइंड तेल, डबल रिफाइंड तेल, ट्रिपल रिफाइंड तेल, डालडा। सबसे खतरनाक अशुद्ध तेल है डालडा, वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल मत खाओ, रिफाइंड तेल मत खाओ, डालडा वगैरह मत खाओ, ये तेल से जिंदगी भर बचो।